वेलकम कर दिया एक नए व्लॉग ना थोड़े अपने ही चैनल शमाइला व्लॉग्स। मैं बहने बेच गड्डी दा आया नहीं हां हां तो देखा है जी। तो आप लोग देख रहे हैं हम जहाँ से गुजर रहे हैं वो रास्ते बहुत ही सुनसान हैं, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, पर रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। तो आज हम जा रहे हैं बेई पे। बेई क्या होता है वो तो मैं नहीं जानती। हम लोग तो ज़्यादातर कहते हैं समुंदर या दरिया कुछ भी, लेकिन गांव वाले कहते हैं हम बेई पे जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं मैं गांव आई हुई हूं, तो मैं अपने भाई और भाभी जान के साथ बेई पर जा रही हूं, और मुझसे ज़्यादा तो वो एक्साइटेड है मुझे दिखाने में। ये देखो बेई। दे रही है ना जी गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं बेई, और आप लोग भी देखिए कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है ये तो। और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं अपनी फैमिलीज के साथ जो कि दूर दूर है। मैं आपको पूरा मंजर दिखाती हूँ यहाँ का कैसा है। मुझे ऐसी जगहों पर जाने का बहुत सारा शौक है, यहाँ तक कि मैं अपने शहर में भी कहीं पर नहीं गई क्योंकि भाई छोटे हैं। तो इस बार काला चांद आई थी, आप लोग तो जानते हैं मैं आई हुई हूँ गांव घूमने, तो यहाँ पर बड़े बड़े भाई हैं मेरे, काला चांद के बेटे, भाभियाँ भी हैं, तो वो मुझे घुमाने लेकर आते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉगिंग भी कर लूँ, मैं बहुत सारे व्लॉग्स देखती हूँ, मैंने कहा मैं भी रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर किसी को नहीं बताया कि मैं व्लॉग शूट करूँगी साथ साथ, तो इसीलिए सब डांटते हैं ये क्या कह रहे हो। और आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि देखने में ये जगह इतनी प्यारी लग रही है कि दिल ही नहीं कर रहा वापस घर जाऊँ। तो सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, पिक्स वगैरह बना रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि इंसान को बाहर जाना चाहिए, मूड भी फ्रेश हो जाता है जी। तो यहाँ से वीडियो बनाई जा रही है भाभी जान के मोबाइल पे, क्योंकि वो नहीं जानती मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं मैं अपने सेल पे बना देती हूँ तो तुम ले लेना। और मुझे भी लगा कि उनके मोबाइल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझ तो आ रही है ना, प्लीज़ डोंट माइंड। सो आज मैं पहली बार खुद जाऊँगी इस पानी में, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा विश थी। आज तक मैंने सिर्फ देखा ही है टीवी में फ्रेंड्स को, लेकिन आज खुद जाऊँगी। बनानी है अच्छा आवाज आती है ना। ओह सैड, मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकी क्योंकि मेरा ट्राउज़र ज़रा टाइट था, वो ऊपर नहीं हुआ तो गीला हो जाता, और वैसे भी भाई ने डरा दिया कि तुम गिर जाओगी, पहली बार गई थी ना इसलिए। बस बस नहीं शूज़ तो पहन दो, शूज़ कैसे पहन दो, तेरे पाँव गंदे हो गए। ओ तो बैग धोला आराम घूमी आंदे की है मुझे तो खुशी में पता ही नहीं, मुझसे मेरी सॉक साइड पे गिर गई है, लेकिन भाई इतने अच्छे हैं और भाभी जान भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मुझे कह रही हैं तुम्हारा वीर बीच में आई जा रहा है वीडियो के। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सो मुझे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मुझसे ज़्यादा तो इनको मज़ा आ रहा है मुझे खुश देख कर।
और आजकल के दिनों में माशाल्लाह से मेरे इस भाई और भाभी जान के बेटा हुआ है। अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। चलिए जी, इसके आसपास भी बहुत प्यारी जगह है, बहुत बड़ी जगह है, ये आपको वो दिखाती हूँ। फिर हिल दिया अड़िए क्या जा रही हो बदतमीज खोते तो भाई जी। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं जो कि किसी ने बकरे पकड़े हुए हैं, क्योंकि गांव वाले के पास ऐसे जानवर होना बहुत ही आम बात है। और कुछ बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो मैं भी खेलूँगी। हाँ आ रही है। थैंक यू। चलिए आ जाएं। वो दूर करके बहुत ही प्यारी सीढ़ियां हैं, तो वहां पर चलते हैं, वहां पर जाकर कुछ वीडियो बनाते हैं, शायद कैमरा आपको वो ब्यूटी दिखा पाए। तो भाभी जान और भाई बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, और दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं जो किसी की खुशी में खुश होते हैं। जी, तो मेरे मासूम भाई और भाभी जान मुझे पागल तो कहेंगे ही, क्योंकि वो नहीं जानते कि मैं साथ व्लॉगिंग भी कर रही हूँ। अभी मैंने इन दिनों सिर्फ सोचा ही था मैं भी अपना चैनल बनाती हूँ, इसलिए अभी मैंने किसी के साथ भी ये बात शेयर नहीं की। सो आज का व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस तरह के बहुत सारे व्लॉग्स देखने के लिए जहाँ जहाँ भाई और भाभी मुझे घुमाएंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।